हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बजाज पल्सर 150 का नया कलर वोल्केनिक रेड, जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। 2021 मॉडल है ये दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ इसका अपडेट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या नए अपडेट और नए फीचर आपको मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, लुक्स में ये प्रीवियस लुक्स का ही इसमें दिया गया है। इसमें लुक्स में कोई चेंजेस नहीं दिए, केवल ग्राफिक्स और डिज़ाइन स्टिकरिंग चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। पहले जैसा इंजन है और सब स्पेसिफिकेशन ही पहले जैसा है दोस्तों। इसके साथ ही तीन कलर और आते हैं, ब्लू कलर और वाइट कलर और स्पार्कर ब्लैक कलर। ये चार कलर में अभी नया अवेलेबल है दोस्तों। और इससे पहले मैं ब्लू कलर का वीडियो बना चुका हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 150 सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर बाइक है इंडियन मार्केट में और इंडियन कंपनी के द्वारा, और यंगस्टर खास करके ज़्यादा इसे पसंद करते हैं यंगस्टर। और इसकी इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 149.5 सीसी का इंजन मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर एयरकूल फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा, जो 13.79 bhp पावर प्रोड्यूस करता है 8000 rpm पे, और 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 rpm पे। दोस्तों, इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाएगा चेन ड्राइव के साथ। और फ्रंट में दोस्तों आपको 280mm का सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, सिंगल चैनल ABS, 17 इंच व्हील साइज के साथ 18 नंबर टायर डाला हुआ है आगे। और फ्रंट में दोस्तों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। और बैक में, रियर में दोस्तों 230mm का सिंगल डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा 120 नंबर टायर के साथ। और रियर में दोस्तों आपको 5-way एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिल जाता है इसमें। बात करें इसकी वेट की तो ये लगभग 151 केजी है 151 केजी। और व्हील बेस है 1320mm, 1320mm व्हील बेस है। और ग्राउंड क्लियरेंस 165mm है ग्राउंड क्लियरेंस। और उसके साथ ही आपको ये गार्ड भी मिल जाता है, इंजन गार्ड, जिसको बेली पेन बोलते हैं दोस्तों। बेली पेन इसमें आपको मिल जाएगा, ये देखिए सामने, और इससे काफ़ी स्पोर्टिंग लुक आता है दोस्तों। और चेसी जो इसमें यूज होता है वो दोस्तों डबल क्रेडल चेसी है इसमें, डबल क्रेडल चेसी इसमें यूज होता है। और इसके साथ ही आपको इसमें दो हॉर्न मिल जाता है, ड्यूल हॉर्न। और जैसा कि पता है इसका इंजन DTSI है, तो ट्विन स्पार्क प्लग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इससे आप इसका माइलेज इसका जो पिकअप है टॉर्क वो और ज़्यादा ये हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है और सब बाइक के मुकाबले में। और दोस्तों इसमें इसका टैंक 15 लीटर दिया है, और रिजर्व 3.2 लीटर रिजर्व ये लेता है दोस्तों फ्यूल। और कस्टमर जो पहले से ये गाड़ी ले चुके हैं वो बोलते हैं 45 से 48 के बीच में इसका माइलेज है दोस्तों 150 पल्सर का। दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को डाउन पेमेंट में फिनांस में लेना चाहते हैं तो बजाज फिनांस द्वारा ये अवेलेबल है दोस्तों। मिनिमम डाउन पेमेंट इसका 35,000 है, 35,000 से 40,000 के बीच में। और इससे कैलकुलेशन हो के EMI जो निकलेगा आपका, 2 साल का भी आप EMI कन्वर्ट करवा सकते हैं, 2.5 साल का भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, और मैक्सिमम 3 साल का भी कन्वर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।